ゴロデーゴロデー、ジャイゴロデーヴァナームキスカ、ジャイゴロデーヴァナームキスカ、プラボーカーパワンナム、マーリカペアラーナム、ジャイゴロデーक्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों बंदे तू भूला है, इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों बंदे तू भूला है, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू फूला है, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू फूला है, धन संपत्ति माल खा जाना यूं ही पड़ा रह जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, धन संपत्ति माल खजाना यूं ही पड़ा रह जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, भाई बंधु मित्र प्यारे मर घट तक संग जाएंगे, भाई बंधु मित्र प्यारे मर घट तक संग जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू दे करे लौट लौट घर आएंगे, स्वार्थ के दो आंसू दे कर लौट लौट घर आएंगे, कोई ना तेरा साथी होगा काल तुझे ही खाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा, कोई
ना तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। 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 जिस नारी से नेह धरे तू ये भी देख डराएगी। जिस नारी से तो ये भी देख डराएगी। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। एक मास तक याद रखेगी, फिर तो याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव।
प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मुहिंदी जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी मान दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार, सुरती भी गए अमीर सदार तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो दर प्यार घट गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, जय गुरुदेव सम पिता हमार जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा,
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 13 दिसंबर 2018 को सिद्धार्थ नगर के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से निकाल कर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए लाए। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कथा अलग चीज होती है, भागवत अलग होता है, प्रवचन अलग होता है और सत्संग अलग होता है। कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है जगह जगह पर, लेकिन सत्संग इस वक्त पर कलयुग में विरले ही जगह पर होता है। पहले के समय में बराबर सत्संग का कार्यक्रम जगह जगह पर लोग आयोजित करते रहते थे, सुनते थे, सुनवाते थे। जब लोगों को सत्संग मिलता था तो आज की तरह से अनुदुखी नहीं थे। घर घर में बीमारियां जो इस समय पर फैली हुई नहीं थी, घर घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा नहीं था, रुपया पैसा आदमी बहुत कमा रहा, बरकत नहीं हो रही है, ये चीज़ें नहीं थी। लोगों की नियत दुरुस्त थी, लोग सत्य रूपी, अहिंसा रूपी, सेवा रूपी, परोपकार रूपी धर्म का पालन करते थे। जब लोग धार्मिक थे, लोगों के कर्म अच्छे थे, प्रकृति के अनुकूल लोग काम करते थे, तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। लोग खुशहाल रहते थे, अन्न धन की कमी नहीं रहती थी। ऐसे समय पर बराबर लोग थोड़ी देर अपनी आत्मा को भी खुराक देते थे। जब सत्संग नहीं मिला तो आत्मा परमात्मा का भेद की जानकारी नहीं हो पाई, इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाई कि ये देव दुर्लभ शरीर जिसके लिए देवता 24 घंटे तरसते रहते हैं वो हमको किस काम के लिए मिला, यह समय जो हमारा निकला जा रहा है इसकी क्या कीमत है। लेकिन जब सत्संग मिलता था तब इस चीज़ की जानकारी लोगों को रहती थी कि यह मनुष्य शरीर खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला बल्कि विशेष काम के लिए मिला। विशेष काम क्या है? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो परमात्मा की अंश जीवात्मा बताई गई, इसको भी खुराक देना, इसको भी ताकतवर बनाना है, इसको भी नरक और 84 से छुटकारा दिला करके जहाँ से ये आई है, जहाँ से उतारी गई है, वहाँ इसको पहुँचाना। अब आप जो नए लोग आए हो, आपको जीवात्मा के बारे में मालूम नहीं होगा, आज मैं सबसे पहले आपको जीवात्मा के बारे में ही बता देता हूँ। मोटी बात आप ये समझो कि आप यहाँ पर बैठे हो, आपके शरीर में ऐसे ही चाकू भोंप किया जाए, रो पड़ोगे, चिल्ला उठोगे, लेकिन जीवात्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लो, पता नहीं चलेगा कौन सी चीज निकल गई। ये जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यही गर्मी ठंडी दुख सुख का एहसास कराती है। ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है। अंश माने क्या होता है? टुकड़ा। ये इतना छोटा टुकड़ा परमात्मा का है, ये जीवात्मा है, इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इस जीवात्मा को आप देख नहीं सकते हो। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है
तो ये जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। जब डाल दी जाती है, जब डाली जाती है तो रास्ता साफ रहता है, तो दर्शन बराबर होता रहता है। और जब दर्शन मालिक का होता है तो बहुत खुश रहता है। आवाज़ जब उनकी मधुर मीठी सुनता है तो बहुत खुश रहता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे। कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, नर्क में थे कि चौरासी में थे, कहाँ थे, स्वर्ग में थे कि वैकुंठ में थे, ये नहीं पता है कहाँ थे। लेकिन माँ के पेट में ये जानकारी रहती है, सब दिखाई पड़ता है। देखो हम चूहा बन गए और बिल्ली हमको नोच नोच के खा रही है। देखो हम ससुंदर बन गए और सांप ने पकड़ लिया, अब वो न निकल रहा है न छोड़ रहा है। कहा ना भाई, गट सांप ससुंदर जैसी। सांप जब ससुंदर को पकड़ लेता है, लंबे मुंह की चूहिया होती है ससुंदर जिसको कहते, उसको जब पकड़ लेता है तो न तो निकल पाता न छोड़ पाता है। निकल जाए न तो मर जाएगा, इतनी जहरीली होती है, इतना गर्म होती है वो। और छोड़ दे तो अभी वही आँख फोड़ देगी, वही ससुंदर सांप का आँख फोड़ देती है, अंधा हो जाता है। अब आप समझो कि जब ये जीव देखता है एक हम ससुंदर बन गए, अब सांप दबा रहा है, फिर ढीला कर रहा है, फिर दबा रहा है, फिर ढीला कर रहा है, न खा रहा है न छोड़ रहा है, तो यानी समझ लो कि रोता है। जब देखता है कि नरकों में मार पड़ रही, काटे जा रहे, सड़ाए जा रहे, तपाए जा रहे हैं। जब देखता है कि इधर उधर मुर्गा भैंसा बकरा बन करके, सांप बन करके, बिच्छू बन करके भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, तब रोता है। प्रभु दया करो, मिन्नत आरजू करता है दिन रात, यानी समझ लो कि आजपा जाप करता है। अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अग्न की लाओ, तू ही तू तुटकार थी, जबता अजपा जाप। और बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप, यानी अजपा जाप करता रहता है बच्चा है, कि जल्दी करो प्रभु, जल्दी करो, हमको तैयार करो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु, सच्चे गुरु, जिनको मुर्शिद कामिल कहते हैं, उनसे रास्ता लेकर के दिन रात भजन इबादत करेंगे, आपके चरणों में लिपटे रहेंगे, कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। माँ के पेट में बच्चे को ये भी मालूम रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम मालिक के पास पहुँच सकते हैं। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि जब कोई जानकार मिलेगा, समर्थ गुरु, सच्चे गुरु, सद्गुरु मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, तभी हमारा उद्धार होगा। तो दिन रात प्रार्थना करता रहता है। तो जब समय पूरा हो जाता है तो मृत्यु शक्ति माँ के पेट से बाहर निकाल देती है। छह तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में बच्चे को बनाती हैं, जन्म, अष्ट, परनामी, पृथ और क्षीर। इन शक्तियों का अलग अलग काम होता है। वो तो जब कई दिनों के सत्संग में आप हमारे उज्जैन आश्रम आओगे तो पूरी जानकारी, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। बातें ज़्यादा बतानी है इसलिए विस्तार में नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि मृत्यु शक्ति माँ के पेट से बाहर निकालती। मृत्यु माने होता है बाहर। इस मृत्यु लोक, ये देखो इस लोक का नाम भी मृत्यु ही लोक पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक दिन सबको बाहर कर दिया जाना होता है। देखो यही कारण है, एक शिव राजा हुए, महाराजा हुए, शेर साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, जोशी विद्वान हुए, एक से एक आविष्कारक हुए, बैलगाड़ी बनाया, रेलगाड़ी बनाया, हवाई जहाज बनाया, तो वो लोग भी अनेक समय लोग की चले गए, उनको भी जाना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक जैसे संत इस अनिमृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में आए, और सबको शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। तो मृत्यु माने होता है बाहर। तो मृत्यु शक्ति माँ के पेट से बाहर निकालती है। लेकिन जब बच्चा निकलता है तो रोता बहुत तेज है। अब रोने का क्या कारण है? जब बाहर निकलता है तो ये काल और माया का देश है। काल को इसको कहते हैं, समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। तो पल भर में जो इस सृष्टि को, दुनिया को बना दे,
और बिगाड़ के उसको कहते हैं काल, तो उन्हीं का ये सारा पसारा है। और सूरत माने जीवात्मा, उसकी डोर काल के हाथ में है और माया के हाथ में मन की डोर है। काल और माया ने मिलकर के इसको बनाया, तीन बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश को, और उन्होंने 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, वैराट के 7 बनाया। शुरू में सबसे पहले 30 लाख अस्थावर यानी ये पेड़ और पौधे, 27 लाख हुकमत यानी जो मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं, खत्म जू चीलर, और 14 लाख यानी जल के जीव, यानी 9 लाख जल के जीव, और 14 लाख यानी समझ लो अंडज, अंडज से अंडज जो पैदा होते हैं, और 4 लाख पिंडज, पिंडज यानी मनुष्य। शुरू में सबसे पहले उन्होंने इतना ही बनाया था। उन्होंने इधर ये आसमान और ये धरती और ये पानी आग ये सब मनुष्य के लिए यानी समझ लो कि बनाया, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, जिससे उसका शरीर चलता रहे, शरीर के लिए जो जरूरी है वो इसको मिलता रहे। तो यह माया का देश है, इसलिए माया का पर्दा पड़ जाता है। आप देखो माया किसको कहा गया, रुपया पैसा, और ये हीरा मोती जवाहरात, यह है जड़ माया। एक जगह से दूसरी जगह अपनी इच्छा अनुसार ये नहीं जा सकती जब तक कोई ले न जाए। और एक है चेतन माया, चेतन माया औरतों को कहा गया। तो अब इस समय पर आप देखो इस माया के देश में इन्हीं के पीछे लोग परेशान हैं, दिन रात दौड़ते रहते इसी के लिए। तो माया का पर्दा पड़ जाता है, और जब माया का पर्दा पड़ जाता है और दर्शन होना बंद हो जाता है, तब बच्चा रोता है कहाँ 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 पहुँच गए। दूसरा कारण क्या है रोने का, आज तक कोई भी बच्चा चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ, कोई नहीं, सब नंगे पैदा हुए। कहते हैं ना नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिए जाओ, ना कुछ लेकर आए हो और ना कुछ लेकर जाओगे। तो नंगे शरीर में आने समझ लो कि बच्चे के ये गर्म ठंड हवा की जो किरणें हैं इस तरह से लगती हैं, या हवा इस तरह से लगती है, मालूम पड़ता है कि जैसे कोई सैकड़ों सुई चुभ रहा हो। तब दर्द जब होता है तब चिल्लाता है कहाँ 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 कहाँ। तो कहें रोते हुए पैदा हुए और रोते रोते चले जाओगे, अगर यह समझ में नहीं आएगा कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, तो अब आपको बतलाता हूँ। ये कहते हैं कि भाई क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, तो अरे समझ लो कि आप लेकर तो कुछ नहीं जाओगे, क्योंकि जिस पतले रास्ते से ये जीवात्मा इसमें उतारी गई है, उस रास्ते से इन बाहरी आँखों से देखने वाली कोई भी चीज तो आप लेकर जा ही नहीं सकते हो, इतना पतला वो रास्ता है। तो ये सब चीज़ें जो आप इन बाहरी आँखों से देखते हो या शरीर के सुख सुविधा के लिए इकट्ठा करते हो, ये तो सब छूट जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन साथ में लेकर आए हो तो कौन से अटैची बैग में रख के लाए, कौन से जेब में रख के लाए, जब कुछ और नहीं वहाँ से लाए और नंगे आए, मुट्ठी में लेकर आए हो। देखो बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध करके पैदा होता है, तो कहा ना चार पदार्थ का चलता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब आने समझ लो कि मुट्ठी में होता है। तो मुट्ठी में लेकर आए, अब आप हम तो मुट्ठी में क्या लेकर आए, अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है, लोगों ने अर्थ लगा लिया कि रुपया पैसा आने समझ लो कमाओ, कैसे भी कमाओ, हाथ से मार के काट के दिल उखा करके कैसे भी लाओ, आने समझ लो कि हाथ में लेकर के आओ, हाथ से कमाओ। देखो ये धार्मिक किताबें जितनी भी हैं, गीता रामायण वेद पुराण कुरान बाइबिल, इनको किसने लिखा, फकीरों ने, संतों ने, महात्माओं ने। जब वो मिलते हैं और वो समझाते हैं तब तो ये समझ में आता है, और जब संत महात्मा नहीं मिलते, उतनी योग्यता का नहीं मिलते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब आपको ये बात बताऊंगा कि अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ का मतलब ये है कि अर्थ समझो, किस चीज़ का अर्थ समझो, ये मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो, ये किस लिए दिया गया। वो स्वामी जी ने लिखा ना कि
यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी विषय वासनाओं के लिए तो मनुष्य शरीर मिला नहीं कि खाओ पियो और बच्चा पैदा करके चले जाओ। यही काम तो आने समय लोग के पशु और पक्षी भी करते हैं। पशु और पक्षी जैसा ही काम खाओ पियो और बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाओ तो यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ कैसे माना जाएगा। जिसके लिए देवता कहते रहते नर समान नहीं कौनो देही जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चराचर के जीव मनुष्य शरीर के लिए प्रार्थना करते रोते रहते हैं कि हमको भी थोड़े समय के लिए मिल जाता हम अपना काम बना लेते तो यह मनुष्य शरीर कैसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो अब आप ये समझो कि खाने पीने मौज मस्ती के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला और अगर इसी में लगे रहेंगे तो अंत दुखदायी यह तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी आखिर में बड़ी तकलीफ होती है। देखो बहुत से लोगों का प्राण निकालते समय टट्टी और पेशाब तक हो जाता है इतना दर्द रोता चिल्लाता छटपटाता है। तो इस जीवात्मा को आखिरी वक्त पर यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के लिए तो यह शरीर तो छूट जाता और इसको खाली करा करके पिशाच के शरीर में बंद करके 86,000 योजन ऊपर में जमपुरी वहाँ यमराज के सामने ले जा करके और फिर पेश करते हैं तो उसके पास तो पूरा खाका होता है जीवन भर में अच्छा और बुरा जो करते हो खुद के पास सब लिखा हुआ रहता है। कुछ लोग तो कहते हैं आँख बचा करके गलत काम कर लो या कहीं कोई देख रहा है लेकिन ये नहीं मालूम कि जिसको नहीं देख पा रहे हो वो सब कुछ देख रहा है आपका अच्छा बुरा सब देख रहा है। बड़े बड़े पन्ने सुनहले सोने के रंग जैसे ये कागज नहीं है वहाँ और लिखावट वहाँ की बहुत सुंदर ऐसे उसमें लिखा रहता है आप तो नहीं पढ़ सकते हो उनकी बोली भी नहीं समझ सकते हो लेकिन वो चित्रगुप्त उनके जो मंत्री हैं पीए पेशकार जिनको कहते हो यमराज के वो पढ़ करके बता देते हैं कि इसने ये पाप ऐसे ऐसे किया। पशु तुरंत कहता है ले जाओ सजा देना शुरू कर दो सजा बोल देता है तुरंत मारते हैं इसे पैर में मार दिया गिर गया लेट गया सीने पर सवार होकर के दबाते हैं दर्द होता है चिल्लाता है आंखें बाहर निकल आती हैं जीभ बाहर निकल आती है फिर आने समय लोग वो हट जाते हैं और फिर दबाते फिर आंखें निकलती पैर पकड़ के ऐसे फेंक दिया उखड़ गया पैर उनके हाथ में रह गया पैर उखड़ने का डर से चिल्ला रहा है तड़प रहा है रो रहा है जब देखा बेहोश होने वाला तो फिर फेंक दिया फिर जुड़ गया काटते हैं फिर जोड़ते फिर काटते फिर जोड़ते आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए उंगलियाँ अलग हो गई अब इन उंगलियों को काटोगे तो दर्द नहीं होगा लेकिन काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो उतना ही दर्द फिर होगा तो सजा भोगने के लिए ही वहाँ भेजा जाता है और वहाँ से छुटकारा मिलता है नरकों में डालते हैं टट्टी का नरक अलग पेशाब का अलग मवाद का अलग पड़े रहो जब समय पूरा हो जाएगा जितना वो सजा दे देगा समय पूरा होने के बाद तब फिर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर यही जीवात्मा डाली जाती है और फिर वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में तो उल्टे लटकना ही पड़ता है उसके बाद में तब फिर मनुष्य शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर भी मिल गया लेकिन कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया लौट 84 आया इसी में लौट करके आना पड़ता है। तो आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि दोबारा ये मनुष्य शरीर मिलने वाला आपको नहीं है इसलिए आप इस शरीर का असली काम समझो कि क्या है और आप इस जीवात्मा पर दया करो ये नरकों में 84 में तकलीफ झेलने के लिए जाने न पावे इसका हो जाए मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर आप मुर्दा जलाने के लिए जाते हो तो वहां लिखा रहता है मोक्ष धाम। कितना भी समय लग जाए लेकिन आदमी मुर्दा जला करके ही आता है
वापस घर को नहीं लाता है। तो मोक्ष का मतलब यह होता है कि वापस यहां से ना आना हो। अब कहां से वापस नहीं आना होता है, जहां के आप हो, कहां के हो, सतलोक के हो। वहां जब पहुंच जाओगे, सतलोक में पहुंच जाओगे, तब नीचे उतरना नहीं होगा। तो पहुंचोगे कैसे, पहुंचने का रास्ता कहाँ है, इसी मनुष्य शरीर में है पहुंचने का रास्ता। इन्हीं दोनों आंखों के बीच से गया हुआ है, आए समय लो उस रास्ते से जब चलोगे तब वहां पहुंच पाओगे। कान आंखी मध्य पाखी चमके, और पाखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भव जल पारा। आने समय लो कि वो दूरबीन लगाना जब सीख जाओगे और लगाने लगोगे, देखने लगोगे, तब भव सागर से पार हो सकते हो। और अगर नहीं ध्यान दिया और जिस काम में आप लगे हुए हो, खाओ पियो, बच्चा पैदा करो, अन्य दुनिया की संपत्ति इकट्ठा करो, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाओ, इन्हीं कामों में अगर लगे रहोगे तो रोते ही रोते ये जिंदगी खत्म हो जाएगी और दोबारा मनुष्य जी मिलने वाला नहीं। अब कैसे रोते रोते बीतती है, यह भी जरा सा बता दूंगा आपको। और रोने से निजात कैसे मिलेगी, रोना धोना ना पड़े, आराम से चले जाए, यह भी बताऊंगा। दोनों रास्ता बताऊंगा आपको, लोक बनाने का भी और परलोक बनाने का भी। तो कैसे रोते हैं बता दें, पैदा हुए तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ाई कर लिया, नौकरी काम नहीं मिला तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। हम तो देश विदेश में जाते रहते हैं प्रचार के लिए, कार्यक्रम करने के लिए, तो हमको तो कोई ना कोई महीना डेढ़ महीना में मिल ही जाता है। तो कोई तो कहता है घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं है, दया हो जाए। कोई कहता माँ की सेवा करने वाला नहीं है, दया हो जाए। और कोई कोई तो सीधे कह देता है शादी करवा दीजिए, शादी नहीं हो रही। और दो तीन महीने में कोई ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते छुड़वा दीजिए, तलाक करवा दीजिए, जान के लाले पड़ रहे हैं। तो जिनकी नहीं हुई वो भी रो रहे, और जिनकी हो गई वो भी रो रहे, जिनके बच्चे नहीं वो भी रो रहे, जिनके चार बच्चे हैं वो भी रो रहे। कैसे ये भी बता दें, जिसके लड़के नहीं हो रहे कहो चलो गया में पिंडदान कर आओ, वसुंध देवी में पिंडदी चढ़ाओ, बाजार पर चद्दर चढ़ा दो, कथा सुन लो, भागवत सुन लो, गंगा यमुना त्रिवेणी में चलो स्नान कर जाओ, डुबकी लगा करके पूत मांग जाओ, तो सब करता है। लेकिन जिनके चार लड़के हैं, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, काका जी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके चार चार लड़के, चार चार बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा कहता है ये मर जाते तो ठीक था, अब बुढ़े के पास बैठ जाओ, धीरे धीरे पूछो, सब बात बताता है। कहो काका आपने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख करके लड़का कमाने वाला आया, वापस कमाने भी लगा, पढ़ी लिखी कमाने वाली बहू भी ले आया। तो काका बहू क्या रोटी बना के नहीं खिलाती आपको, अच्छा अच्छा बना के खिलाती नहीं है, लड़का क्या कमा करके आपको देते नहीं, लाते नहीं है, अरे आपका हाथ पैर सेवा दबा करके सेवा नहीं करते हैं। तब धीरे धीरे बताता है क्या बनाती है क्या खिलाती है, बहू तो बनाती जाती है उसी हाथ से खाती जाती है। काका ऐसा क्यों करती है, अरे पूछा तब कहती है टेस्ट करके बनाती हूँ, खराब न बन जाए। काका तो टेस्ट करके क्यों बनाती है, अरे उसकी माँ ने तो खाना बनाना सिखाया ही, वो तो पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही। अरे सिखाना चाहिए, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना और खाना बनाना, ये तो बुनियादी काम है, इसको तो सिखाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ ने तो सिखाया ही नहीं। पूछा एक दिन कि तू शहर में रहती थी तो वहां बनाती नहीं थी,
बोले होटल में खाते थे। बताओ क्या जमाना आ गया। पहले लोग घर में खाना खाते थे, टट्टी मैदान के लिए दूर बाहर जाते थे। अब टट्टी मैदान लेट्रिन घर में करते हैं और खाने के लिए बाहर जाते हैं। होटल में यहाँ तीन तीन दिन की दाल खिला देते हैं। काका तीन दिन की दाल आपने कभी होटल में खाया? हमने तो कभी नहीं खाया। तो आपको कैसे पता? अरे होटल वाले ने बताया कि जब सड़ जाती है, खट्टी हो जाती है, छौंका लगा के देता हूँ तो वही मांग मांग करके लोग खाते हैं। तो बुढ़ा कहता है भाई अरे तुम ये कह रहे हो लाते नहीं कमाते नहीं, इनका कुछ पता ही नहीं चलता है। जो हमने इनको सिखाया वो सब ये भूल गए। सुबह उठना, भगवान का नाम लेना, धरती को प्रणाम करना, नहाना धोना, कुछ पूजा पाठ करके और बढ़िया खा पी करके आराम से जाना, ये तो सब इनका हो गया खत्म। अब ये लड़के 9 बजे फिल्मी गाना गाते हुए उठते हैं, खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े खाना। कहता हूँ बैठ के आराम से खा ले, ताजी रोटी बनवा ले। कहते नहीं डबल रोटी खाएंगे। बताओ कितने दिन की बासी रोटी, डबल रोटी कहते हैं खाएंगे। अरे काका रुपया तो लाते होंगे, जब दिनदार दौड़ते हैं तो कमा के तो लाते होंगे। क्या कमाते, इनको तो कमाना आता ही नहीं। अरे भाई मैं तो देख रहा हूँ जैसे जैसे कह रहे कमाई हो रही कमाई हो रही, शरीर नंगा होता जा रहा है। इनको तो हम अरे जांघिया पहनकर स्कूल जाने ही नहीं दिए, पैजामा सिलवा दिए, अब ये नियकर पहन करके बाजार चले जाते हैं। कहते हैं फैशन है, बड़े आदमी पहनते हैं इस तरह से, बाज आए ऐसे फैशन से। बताओ फटा कपड़ा तो हमने लड़कों को पहनने नहीं दिया, अब बहुएं फटा पैंट पहनती हैं, कहती हैं फैशन है। अरे काका तो रुपया क्यों नहीं देते हैं? अरे कमाना नहीं जानते हैं, मेहनत करके जब कमाई की जाती थी तो रुपया पैसा बचत होता था, रुकता था, इनके पास रुकता ही नहीं। बताओ कोई गाँव में लगा करके लक्ष्मी को लाएगा जुआ में, जीत करके तो रुकेगा, दूसरे दिन फिर हार जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात बुढ़ा बताता है। हम आजकल के ये लड़के बुढ़ों के पास बैठना ही नहीं पसंद करते हैं। ये जो लड़कियां पढ़ी लिखी आती हैं, शादी जब हो जाती है तो ये अनपढ़ सास को यानी ये मूर्ख समझती हैं, उनके पास बैठने नहीं समझती, बैठना नहीं पसंद करती हैं। लेकिन उनको जो गृहस्थी का अनुभव होता है अनपढ़ों को, इनको नहीं होता है। कोई MBBS MS लड़की हो, डॉक्टरी पढ़ी हुई, तो दूसरे के पेट से बच्चे को तो ऑपरेशन करके निकाल देगी, लेकिन जब उसके बच्चा पैदा होने का समय आएगा तो अपना ऑपरेशन कर पाएगी? लेकिन वो अनपढ़ सास हाथ फेर करके बच्चे को बाहर निकाल देती है, पैदा करा देती है। तो बुढ़ा कहता है ये कमाना नहीं जानते, इनको मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना चाहिए, और उसको ये करते नहीं है तो बरकत होती नहीं, बरकत छिन गई, बचत होती नहीं, और सबकी नज़र हमारी तिजोरी के ऊपर है, इसीलिए तो हम सेवा नहीं करवाते इनसे, पैर नहीं दबवाते हैं। बुढ़ा कहता है काका पैर क्यों नहीं दबवाते हो? इसलिए कि पैर दबाते दबाते कहीं गला न दबा दें, तिजोरी की चाबी के लालच में। तो बुढ़ा ऐसा कहता है, वो भी दुखी, जिसके रुपया पैसा नहीं है, कहता बड़ा आदमी हो जाता तो, पैसा होता बड़ा आदमी हो जाता रईसी देख लेता, अब इसके पास ज्यादा है उसको नींद नहीं आती है। नोटबंदी हुई थी तो एक सेठ को नींद ना आवे, रात भर टहले कमरे में, उठाए बैठे चार पाई पर। 3 दिन हो गया तब घर वालों ने कहा भैया ले जाओ इनको डॉक्टर के पास। लड़का ले गया, डॉक्टर साहब ने कहा क्या हो गया इनको? बोले नींद नहीं आ रही। अरे तो कहा नींद की गोली दे दिए होते। लड़के ने कहा 3-3 गोली दे दिया, नींद नहीं आई। अब डॉक्टर भी सोचने लगा भाई अब कौन सी दवा दी जाए। तब तक लड़का बोल पड़ा साहब चौथी गोली दे दें।
कहा चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन फिर उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। यही तीन गोली बहुत ज्यादा हो गई, ओवरडोज हो गया। तो सब रो रहे, न राजा को शांति न रैयत को शांति, अपने पूंजीपति को ही नींद आ रही है। तो शांति आएगी कैसे और शांति कैसे आई, रोग कैसे यानी समझ लो कि बढ़ा, और लड़ाई झगड़ा कैसे बढ़ा, और ये दूर कैसे होगा, ये मैं आपको बतलाता हूँ। देखो ये मनु शरीर, ये जो खुदा भगवान ने आपको दिया, इसका जो खून है वो शाकाहारी है, और जब आने समय लोग कोई मांस खाता है और उसका खून बनता है तो मनुष्य के खून से तालमेल नहीं खाता है। तालमेल खाना किसको कहते हैं, बूढ़ा बीमार हो गया और डॉक्टर कहता है खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा, तो लड़का कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, डॉक्टर जब टेस्ट करते हैं कहते हैं नो, तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता, ग्रुप नहीं मिल रहा है। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, टेस्ट करवाता है तो उसको भी मना कर देता कि तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता। अब आप सोचो, एक ही रजवीर से एक ही माँ के पेट में दोनों बने, एक ही माँ ने दूध पिला करके दोनों को बड़ा किया, पालन पोषण किया, तो खून नहीं मिल रहा, इसका मतलब एक मांसाहारी दूसरा शाकाहारी, तो तालमेल नहीं जब खाता है तो बीमारियां हो जाती हैं, और उसका असर खून का असर दिमाग पर जाता है। कहते हैं बुद्धि काम नहीं कर रही, दिमाग नहीं काम कर रहा, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो नापता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तेज हो गया दौरा खून का, खून ही कहते हैं ना कि हमारा खून खौल रहा है। हर गांव नजरों के सामने से जब क्रोध आता गुस्सा आता है तो बहुत से लोग कहते हैं, तो मांसाहारियों का खून गर्म जल्दी होता है। एक कमरे में आप चार कुत्ता बंद कर दो, एक में चार बैल बंद कर दो, बैल के लिए घास चारा डाल दो और कुत्तों के लिए रोटी डाल दो, बैल रात में आराम से चारा घास खाएंगे, युगाली करेंगे, गोबर करेंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे, और कुत्ता रोटी भी खाएंगे रात भर, भूखेंगे भी एक दूसरे को नोचेंगे भी। सुबह दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूछ कटी हुई, किसी पैर कटा हुआ निकलेगा, कर्म होता है खून। आप देखो जब से यह मांसाहार बढ़ा, जब से शराब का प्रचलन बढ़ा, तब से देखो अपराध और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। जगह जगह पर जहाँ अपराध होते हैं तब वहाँ पर खोज होती है तो शराब की बोतलें मिलती हैं, मांसाहारियों के अंदर कोई बर्दाश्त की शक्ति होती नहीं, इसलिए लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये कि मांस मत खाओ, शाकाहारी रहो, शाक सब्जी दूध मलाई जो मनुष्य के लिए भगवान ने बनाया उसको खाओ पियो, फल फूल जो बनाया उसको खाओ पियो, और कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। ज़्यादा जब हो जाता है पेट में दर्द होता है और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तो पैसा जमा करके तुरंत ऑपरेशन कर देता है। अब एक बार ऑपरेशन हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन नहीं होगा, दोबारा फिर ऑपरेशन, तिबारा फिर ऑपरेशन, एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, और डॉक्टर ने फिर बता दिया। तब बोला डॉक्टर साहब आपकी बात, ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टांका मत लगाना, बटन लगा देना बटन, आया तो चैन लगा देना, जब आऊँ तो फिर चैन खोल के ऑपरेशन कर देना। अब आपको मैं बताऊँ, यह शरीर को जो चलाने वाली जीवात्मा है जिन दोनों आँखों के बीच में बैठी है, यही पूरे शरीर को चलाती है। आप समझो ये कंठ चक्र, हृदय चक्र, इंद्रिय चक्र, यानी समझो नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र, ये चक्र इस शरीर को चलाते हैं।
और इस शरीर को इंगला पिंगला सुषुम्ना ये तीन नाड़ियाँ चलाती और उन नाड़ियों में से 72,000 नाड़ियाँ यानी 72,000 नसें निकली हुई हैं। बहुत सी नसें तो ऐसी हैं जो किसी भी मशीन से नहीं देखी जा सकती और वो जब कट जाती हैं तो फिर आने समय जो शरीर रोगी हो जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ऑपरेशन से ज़्यादातर बचना चाहिए। तो आप कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन से बचने के लिए क्या है, बर्दाश्त कर लो, थोड़ा कम खाओ। भूख को कहते हैं एक रोटी भूख कर खाओगे तो मजे में रहोगे, कहते हैं ना कम खाओ गम खाओ। गम खाओ का मतलब क्या, कोई दो बात कहे तो बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कोई किसी को गाली दे तो उसको लगी छोड़ो रहती। ये हमारे गुरु महाराज, गुरु महाराज के पास रहने का बहुत मौका दिया उन्होंने, 400 साल उन्होंने अपने पास रखा। तो कभी कभी जब खाली टाइम में रहते थे बैठते थे तो बहुत सारी बातें बताते थे, लेकिन ये देखा हमने कोई भी बेकार की बात उन्होंने किया ही नहीं, हर बात में कुछ न कुछ शिक्षा मिलती थी। तो एक दिन बोले अपने गुरु महाराज के बारे में कि हमारे गुरु महाराज बड़े अच्छे स्वभाव के थे, सहनशील थे, समझदार थे, परोपकारी थे। फिर बोले एक बार एक आदमी ने बताया कि गुरु जी आपके खेत से लोग गन्ना चूस लेते हैं निकाल करके तोड़ करके। अरे बोले चूस लेने दो कोई बात नहीं, बोले तो सब खा जाएंगे। अरे तो बोले बादशाहों का ही माल लुटा करता है, जाने दो उसको खाने दो। इतना सहनशीलता उनमें थी, लेकिन किसी बात पर पड़ोसिन औरत को नाराजगी हो गई तो कभी कभी शंका भी हो जाती है। कहते हैं कि शंका नाश करता है। अब शंका कैसे हो जाती है ये भी बता दें। जैसे कोई औरत अपना भाई मान करके ही किसी से बात कर रही और पति ने देख लिया तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। और दाल में नमक भर दिया और मिर्ची भर भर करके सब्जी में पेट खराब कर देगी, कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी, और चादर नहीं धोया, कपड़ा नहीं धोया, ये नहीं किया वो नहीं। और वो भी अगर कुछ बोल देगी तो बस खोशम घोषा चालू हो जाएगा। तो पहले तो जवान की लड़ाई होगी और फिर हाथ पैर की लड़ाई होने लगेगी और फिर कोर्ट कचहरी की तलाक और दहेज के मुकदमे चलने लगेंगे, कोर्ट कचहरी लड़ाई होने लग जाएगी। तो शंका ही तो हुई। मान लो कोई पुरुष किसी औरत से बात कर रहा है अपना बहन मान करके ही और उसकी पत्नी ने देख लिया इसे धीरे से तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन दिन भर में गुस्से में आकर के 4-6 बर्तन पटक करके पिचका डालेगी, नहीं कुछ होगा तो अपना ही बाल लोट डालेगी। अब शंका ही तो हो गई। शंका नहीं करना चाहिए, शंका का समाधान कर लेना चाहिए। तो किसी बात पर पड़ोसन को शंका हो गई तो वो गाली देती हुई आ गई दादा गुरु को। अब वो अपने कोठरी से निकले और उसको ऐसे देखते रहे कितनी देर गाली देगी, थकेगी कि नहीं। इतना गाली दिया जोर जोर से कि थक गई, और थक गई तो चुप हो गई। पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए, भाई देखें क्या बात हो गई। जब चुप हो गई तो दादा गुरु ने अपने से दाहिने हाथ में दाहिने जेब में कुर्ता पहनते थे और बाएं में इसे दोनों ऐसे हाथ डाल के इसे देखने लगे। फिर उसके बाद कुर्ता उतार कर ऐसे झाड़े तो किसी ने कहा गुरु जी क्या हो गया। अरे बोले मैं देख रहा था कि इसकी गाली कौन सी जेब में रखी है, लगी कहाँ है, कुर्ते में भी नहीं लगी, तो इसकी गाली गई कहाँ, इतना गाली इसने दिया। सब हंस पड़े, वो भी हंस पड़ी और लोगों ने कहा चलो 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 हो गया। कुछ लोग आ जाते हैं ना तमाशा देखने के लिए, कुछ लोग तो देखते हैं मार काट होगी तो छुड़ाएंगे, झगड़ा होने नहीं देंगे, कुछ तो तमाशा देखने आते हैं कि किस तरह मारपीट होती है। सब बोले चलो 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 अब हो गया। तो अब आप इस बात को समझो कि शंका आने समय जो करता है नाश, शंका नहीं करना चाहिए। तो शंका आने जब हो जाती है तो समझ लो कि नाश हो जाता, शंका नहीं करना चाहिए। तो अब आप समझो कि
यानी बर्दाश्त, बर्दाश्त में बहुत बड़ी यानी शक्ति होती है, बर्दाश्त कर लो तो सब काम बन जाए। पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए, औरत को गुस्सा आवे तो पुरुष चुप हो जाए, झगड़ा हो ही नहीं सकता। आप समझो भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, बाप को गुस्सा आवे बेटा चुप हो जाए, बेटा को आवे बाप चुप हो जाए, तो झगड़ा नहीं हो सकता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ज्यादा तेज होते हैं घर में, जैसे सास और बहू का झगड़ा मशहूर है, चाहे गरीब घर का हो चाहे अमीर घर का। अब यह बात जरूर है कि गरीब घर की यानी अनपढ़ जो सास और बहू होती हैं, जब वो एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली देती हैं तब सबको पता चल जाता है। और बड़े आदमियों के यानी घर के सास और बहू जब एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं तब सबको पता नहीं लगता है, लेकिन होता है झगड़ा, कुछ कुछ लगा रहता है, अक्सर देखा जाता है। और जिसमें एक ज़्यादा तेज होती है, चाहे सास तेज हो जाए चाहे बहू तेज हो जाए, अब उनका संस्कार ऐसा होता है कि उनकी जो आदत होती है वो छूटती नहीं है, यानी समझो स्वभाव जिसको कहते हैं जल्दी छूटता नहीं है। अब यह तो समझाने में समय लगेगा, इसलिए समझाया नहीं जा सकता कैसे स्वभाव नहीं छूटता है। जब उज्जैन आश्रम पर आओगे, कई दिन तक सत्संग चलता है सुबह शाम, तो उसमें आपको सब बता दिया जाएगा। लेकिन अब आप ये समझो कि मान लो दोनों में कोई ज़्यादा तेज है तो भी झगड़ा टाला जा सकता है। एक सत्संगियों की लड़की अपने माँ के साथ मेरे पास आई, माँ भी सत्संगी थी, तो माँ ने कहा महाराज इसको समझाओ, ये कह रही कि हम ससुराल जाएंगे ही नहीं। तो हमने कहा बच्ची क्या बात हो गई? बोले महाराज जी आप ही कहते हो किसी को लठ मार दो और घाव हो जाए तो वो घाव भर जाता है, और बातों का घाव नहीं भरता है। तो हमारी सासू माँ इतना कड़क बोलती हैं कि बर्दाश्त नहीं होता है, वही बार बार अंदर आता रहता है, भजन पूजन में भी खाने पीने में भी वही बातें याद आती रहती हैं। तो मैं तो अब ऊब गई, उस घर में अब पैर नहीं रखना चाहती हूँ। और महाराज जी आप भी अब मत कहना उस घर में जाने के लिए। तो हमने कहा तो तू सुनती क्यों है? आप गुस्से में बोली तो कहाँ घर छोड़ के चले जाए? तो हमने कहा तो उसको भजन करने के लिए बताया गया? नहीं बोली। हमने कहा तू बैठ जा कान में उंगली लगा करके आंख बंद करके, न तो तू सुन उनकी क्या कह रही और न देख हाथ पैर से किस तरह से आंख मुंह से इशारा कर रही। तो वो अपने आप क्रोध में जल करके थोड़ी देर के बाद घुस जाएंगे और शांत हो जाएंगे। तो बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उस लड़की ने इन बातों को पकड़ा, अमल किया। लोग सत्संग सुनते हैं, बहुत से प्रेमी पुराने इसमें बैठे हैं, गुरु महाराज का भी सत्संग सुनते रहते थे, लेकिन सुन करके बस वहीं छोड़ के चले आते थे, घर तक नहीं लाते थे और न सोच विचार करते थे। तो सत्संग सुना जाए तो धुना जाए और विचार किया जाए, सोचा जाए, और नहीं तो विश्वास करके उसकी आजमाइश ही कर ली जाए, यानी समझ लो ये देख लिया जाए कि ऐसा कह रहे हैं ऐसा करने से क्या फायदा होता है, तो कर डाला जाए तो फायदा हो ही जाए। क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं वो किसी को धोखा नहीं देते हैं और वो सबको एक दृष्टि से समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सब उनके होते हैं तो किसी को गलत उपदेश देते नहीं हैं। तो उसने क्या किया, इसी तरह से किया। अब कुछ दिन में दो चार दिन में बिल्कुल सही हो गया, वो भी सोची कि अब ये कुछ बोलती नहीं है तो अब क्या मतलब है बोलने कहने का, और दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। कुछ दिन के बाद जब मिली तो हमने कहा आप ठीक ठाक है? तो बोली कि हाँ आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा कि तू बैठी भजन पर? बोली भजन पर बैठे तभी तो ठीक हुआ। तो हमने कहा जब भजन पर तू बैठी तब कुछ कही तो नहीं? बोले दो चार दिन तो बहुत बोली कि देख ये नाटक करती है, ये ओढ़ के बैठ जाती है, बोल 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 जवाब क्यों नहीं देती है। लेकिन दो चार दिन चिल्ला के जब मैं कुछ नहीं बोली तो वो भी शांत हो गई। तो कहा ना और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जानकर अनजान हो सोई है ज्ञानी, अगर किसी को गुस्सा आवे तो आप चुप हो जाओ, क्रोध क्या है ये गगनी है,
और ये किससे बुझती है? चुप होने से बुझती है, और बोल रहने से घी में आग पड़ जाता है, वो और तेज हो जाती है। तो आने समझ लो कि गम खाओ और कम खाओ, और समझ लो कि अने नियम और संयम का पालन करो। नियम और संयम किसको कहते हैं? कहते हैं ना कि किसी मामले में जानवर मनुष्य ज़्यादा नियम संयम का पालन करते हैं। अब बता दें, ऐसा कोई खा पी करके आया पेट भर के, और रसगुल्ला आप रख दो प्लेट में और कह दो खा लीजिए, कहता नहीं पेट भरा हुआ अभी भोजन करके आए हैं। अरे ले लीजिए एक आध, तो थोड़ी देर तक तो ऐसा देखता रहता है, और उसके बाद एक उठाता है, धीरे धीरे खाता है, फिर खा लेगा तो फिर देखेगा उधर, थोड़ी देर फिर देखता रहे, फिर दूसरा भी उठा लेगा। अब आप उसकी तरफ न देखो तो तीसरा भी उठाएगा, चौथा भी, पांचवा, छठवां, सब खा जाएगा, पूरा प्लेट साफ कर देगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज उसके सामने डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है। या अगर ऐसे घूमने वाला कुत्ता है, बड़े आदमियों घर के कुत्ते तो सूंघ करके छोड़ देते हैं, उनको मालूम रहता है हमको समय समय पर मिल जाएगा खाने को, और ये जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो उसको उठा करके ले जाते हैं, छिपा करके रख देते हैं, जब भूख लगती है तब खाते हैं। देखो 12 महीना में कुवार महीना आता है जब ये पगलाते हैं, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, सब सोचो संयम नियम से वो रहते हैं कि आदमी रहता है। संयम और नियम का पालन जरूरी होता है। तो देखो ये तो आपको बताया लोक बनाने का तरीका, अब परलोक बनाने का भी तरीका आपको बताऊंगा। परलोक कहाँ? मतलब जो इस मृत्यु लोक से ऊपर, पर, पर माने ऊपर, तो ऊपर बहुत से लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सत लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। उन लोकों में भी आप इस शरीर के रहते रहते आने जाने लग जाओ, ऐसा भी रास्ता आपको बताऊंगा। ना आपको घर छोड़ना है, ना जमीन जायदाद छोड़नी है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। इसी गृहस्थ आश्रम में रह करके 22 घंटा शरीर के लिए काम करो, और 1 घंटा सुबह शाम अपनी आत्मा के लिए काम कर लो। तो वो तरीका अभी आपको बताऊंगा, आपको वो नाम बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, नाम लेत बहुत सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही बहुत सागर सुख है। वो नाम आपको बताऊंगा। तो देखो नाम दो तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है और एक वर्णात्मक नाम होता है। तो ध्वन्यात्मक नाम तो आपको बाद में बताऊंगा। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो ध्वनियों के मुंह से निकलता है वह निर्मायक होता है। और ये वर्णात्मक नाम जो मुंह से लिया जाता है ये मायक होता है। मायक किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में बन करके बाहर इस माया के लोक में आता है, माया के देश में निकलता है, आता है, पैदा होता है, उसका जो नाम पड़ता है वो मायक नाम होता है। जैसे माँ के पेट में पल करके, आने समय लोग कौशल्या के पेट में पल करके राम बाहर निकले थे, रामचंद्र उनका नाम रखा गया था, राम नाम को उन्होंने जगाया, और जब जगाया तो उसमें ताकत आ गई थी। आप समझो कि समुद्र में पुल बनाने की जरूरत जब पड़ी, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाते समय, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। कृष्ण आए, कृष्ण भी माँ के पेट में बन करके बाहर निकले थे, तो कृष्ण जब आए तो कृष्ण नाम उन्होंने जगाया, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को, 12 ग्राह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था,
शतरुग में गुरु की पूजा थी, गुरु की मान्यता थी, तो गुरु आने समय लोग कोई हाण मांस के शरीर का नाम नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, और वो शक्ति जिसके अंदर आ जाती है और वो काम करने लग जाता है तो वही गुरु कहलाता है। ये जो गुरु और ये जो संत इस धरती पर आए, ये सब माँ के पेट से यानी माँ के पेट में पल करके ये बाहर निकले, और मनुष्य जैसा ही अन्न खाए इसी धरती पर रहे, और यानी धरती पेशाब भी आदमी जैसा, बोली वाणी भी आदमी ही जैसी रही, लेकिन इन्होंने अपनी आत्मा को जगाया, गुरु की खोज करके गुरु के शरण में जाकर के अपनी आत्मा को जगाया, और आत्मा जब जग गई तो उस मालिक तक पहुंच गई, और जब उस मालिक तक पहुंच गई तो पूरी ताकत उस मालिक की उनमें आ गई, तो अब आँख से देख लेते हैं, दया कर देते हैं तो अन्य समय लोग के लाभ मिल जाता है, हाथ से छू देते हैं तो लाभ मिल जाता है, वाणी अन्य बातों को बोल करके समझा देते हैं तो उसका असर पड़ जाता है, लोग बदल जाते हैं। अंगुलमाल वाल्मीकि जैसे डाकू बातों से ही बदल गए थे, तो ऐसी तरह से अन्य समय लोग के वो जो काम करने लग जाते हैं जनहित का और जीवहित का, तो उनको फिर गुरु कहा जाता है। तो गुरु एक पावर है, गुरु एक शक्ति है, और गुरु हमेशा इस धरती पर रहे। गुरु बिन भवन रिता रही न कोई, और जो विरन की शंकर सम होई, हमेशा यानी गुरु रहे, इसलिए गुरु महाराज ने जय लगाया, जा माने जय मान, या माने जो जो हमेशा रहे, और जो माने देने वाला। तो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं, देते ही हैं, लेते क्या है जो कोई लेने को न तैयार हो। तो आने समय लोग की ये जय गुरुदेव नाम ये हमारे गुरु महाराज ने जगाया, और जगा करके बताया कि यह भगवान का नाम है। तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो, देखो आप यहाँ पर इतने लोग बैठे हो, सब धार्मिक हो, धर्म कर्म का संदेश तभी आप सुन रहे हो, भगवान को सब लोग मानते हो, लेकिन एक नाम से नहीं, कोई किसी नाम से उनको पुकारता है, कोई किसी नाम से उनको मानता है, सबका विश्वास है, और विश्वास फलदायी काम, विश्वास के नाते आपको लाभ मिलता है, फल मिलता है। तो जल्दी दूसरा नाम अगर बताया जाए तो आपको जल्दी विश्वास न होगा। ऐसे ही गुरु महाराज जब बताने लगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का नाम है, तो लोगों को विश्वास न हो, तब बोले तुम परीक्षा लेकर देख लो। तो परीक्षा लेकर देखा लोगों ने, जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगी, तो मधुमक्खियाँ जब छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती है। उस समय पर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा चली और मक्खियों को उड़ा कर ले गई, जान बच गई। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस पानी की तेज हिलोट आई और ले जा करके किनारे लगा दिया, जान बच गई। मरते समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द, सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 7,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 7,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो जब दर्द उठा, तकलीफ उठी, चिल्लाया रोया, तो प्रेमी ने 10 बार कान में जय गुरुदेव बोल दिया, खोल दिया आँख मरने वाले ने, और कहा यमराज के जो दूत आए थे जल्लाद, वो सब हट गए, आराम से जा रहा हूँ। खूब परीक्षा लिया लोगों ने। आपके मन में अगर किसी के शंका हो तो एक बार आप भी परीक्षा ले सकते हो। अरे आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो प्रेमियों, इस समय का ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम है। अब इसका आपको करना है प्रचार, तो प्रचार करोगे, एक बार बताओगे तो जाएगा भूल,
लेकिन जो चीज रट जाती है वो जल्दी नहीं बोलती है। आप अपने गांव का नाम तो बोल सकते हो, पिताजी दादाजी का नाम बाबा का नाम तो बोल सकते हो, लेकिन आप अपना नाम जल्दी नहीं भूलोगे, रटा हुआ है। कितनी बार आपने बताया मेरा ये नाम है, ऐसे ही यानी जो रट जाता है वो जल्दी नहीं बोलता है। रामलीला हो रही थी, रामलीला तो हनुमान जी की हो गई तबीयत खराब, तो बोले भाई हनुमान जी किसको बनाया जाए। लोगों ने कहा कि तगड़ा आदमी होना चाहिए हनुमान जी बनने वाला, तो एक आदमी ने कहा वो हलवाई है, हलवाई उसको बना दिया जाए, वो लंबा तड़ंगा है। तो मैनेजर ने कहा क्या वो क्या बन पाएगा, क्या बोल पाएगा, क्या कर पाएगा। लोगों ने कहा सिखा दिया जाएगा, रटा दिया जाएगा, बोल ले जाएगा। बोले अच्छा जाओ पूछ लो। उसके पास गए तो कहा तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं। ओ खुश हो गया अंदर अंदर, हमारा फोटो खिंच जाएगा, फिर कैलेंडर बन जाएगा, फिर घर घर में हमारा फोटो लग जाएगा, हमारा लोग पैर छूने लगेंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाने लगेंगे, आरती धूप होने लगेगा, हमारा ही लड्डू हम ही के सामने यानी खिलाएंगे रख करके फोटो के, बहुत खुश। लेकिन कहा भाई पेड़ा बर्फी बनाना तो है नहीं कि खोया घोट के बना लो, वहाँ तो बोलना पड़ेगा, वो हम तो अनपढ़ आदमी, हमको तो बोलना आता नहीं है। तो बोले भाई हम कैसे बोल पाएंगे वहाँ। तो कहा कि तुमको सिखा देंगे। ले गए, दिन भर वहाँ कमरे में सिखाए और बुलवाए, लेकिन जब रात को स्टेज पर पहुँचा और बैठा रावण को देखा तो घबरा गया और सब भूल गया। और जब रावण ने डांटा, ए बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम, तब कहता सरकार की दुहाई हम रामदास हलवाई। सब भूल गया जो सिखाया पढ़ाया था, लेकिन जो रटा हुआ था वो याद आया, वही बताया। ऐसे ही जब जय गोदेव नाम आप रटा दोगे लोगों को तब तो याद रहेगा, नहीं तो जाएंगे भूल। तो रटाओगे कैसे, 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे का जगह जगह पर करो नाम धुनी। और नहीं तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आप 2 घंटे के नाम धुनी तो सब लोग अपने अपने घरों में कर सकते हो, रोज नहीं तो महीने में 4 ही 6 बार सही। पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया, घर वालों को, रिश्तेदारों को बुला लिया और आए समय लोग बैठ करके 2 घंटे नाम धुनी बोले। अब रिश्तेदार या पड़ोस के लोग या मित्र अगर आधा घंटा 20 मिनट के लिए ही 2-4 बार आए और बोले तो उनको भी रट जाएगा, याद हो जाएगा। देखो बच्चों, बच्चों को अगर रटाओगे तो ऐसे नहीं रटेंगे, हम तरीका बता देते हैं आपको। जब खाना बना लो शाम को तो उस समय पर मौजूद लोग जितने भी रहें परिवार के घर में सबको इकट्ठा करके आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट ही सही जय गोदेव नाम की ध्वनि बोलो और बुलवाओ। अब उसके बाद में पड़ोसों खाओ और खिलाओ। 2-4 दिन 6 दिन जब आप इस तरह से करोगी तो लड़कों को मालूम हो जाएगा कि बगैर जय गोदेव नाम ध्वनि बोले खाने को मिलने वाला नहीं है। तो जैसे ही कुकर सीटी देगा तैसे ही बाबा चलो, चाचा चलो, भाई चलो, चलो चलो ध्वनि बोला जाए, हाथ पकड़ पकड़ करके लाएंगे ध्वनि बोलवाने के लिए। और जब बोलने लगेंगे तब जाएगा रट। कहा ना कोट कोट मुन जतन कराही और अंत नाम मुखावत नहीं, आखिर वक्त में नाम याद नहीं आता है और नहीं तो नाम ही मदद कर दे। ये नाम जगाया कैसे जाता है यह भी आपको बता दें। देखो आपको ये नहीं पता है कि आप किसके अंश हो, आप उस मालिक के परमात्मा के अंश हो। आप अपनी जीवात्मा को देख नहीं सकते हो क्योंकि यही जीवात्मा जो आपके अंदर है
घोड़े के अंदर, हाथी के अंदर, ऊंट बकरी के अंदर, यही चींटी के अंदर, चींटी से छोटे कीड़े उनके भी अंदर यही जीवात्मा है। ये कहाँ से जुड़ी हुई है इसको भी आप नहीं देख सकते हो, ये परमात्मा से जुड़ी हुई है। सभी लोग जितने भी हैं सब उसी तार से जुड़े हुए हैं। अब जब उस परमात्मा के जीते जागते नाम को बोलते हैं तो वो आवाज वहां फौरन पहुंच जाती है और वो मदद कर देता है। आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो और छोटे बच्चे को ठोकर लग गई, ठोकर जब लगी तो कहता मम्मी, तो मम्मी तुरंत बोलती है, पापा, पापा तुरंत बोलेंगे, भाई तो भाई तुरंत देखेगा बोलेगा कि क्या बात हो गई, मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ऐसे ही जब मुंह से निकलेगा तो मालिक मददगार हो जाएगा। इसलिए यानी रटा दो और रट लो, कोई कैसा भी हो, कैसा भी आपका पहचान का हो, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त ही हूँ, आपके रिश्तेदार या दफ्तर के लोग या दुकान पर सामान खरीदने बेचने वाले, लेकिन पहचान है तो सबको बताओ कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इस तरह से ध्वनि बोलते बोलते, और फिर सो जब तक नींद ना आ जाए बोलते रहो। अब भाव के साथ अगर बोलेंगे तब तो समझ लो तुरंत लाभ मिलने लगेगा। भाव ही तो प्रमुख होता है, भाव जब खराब हो जाते हैं तब काम खराब हो जाता है। आप देखो जब महाभारत खत्म हुआ तो अनेक कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर से कि आप अब यज्ञ करिए, इसमें बहुत हत्या हुई है, बहुत लोग मरे हैं, तो उस पाप के क्षमा के लिए आपको आपको करना पड़ेगा, दशमेध यज्ञ करना पड़ेगा, तो लोगों को बुलाइए, सबको बुलाइए, जितने भी राज्य में है प्रजा के सबको बुला के खिलाइए, और जब घंटा बज जाएगा तब समझ लो कि यज्ञ पूरा होगा। तो सबको बुलाया गया, वो खिलाया भी गया, घंटा नहीं बजा, कृष्ण तो लोगों ने कहा कृष्ण अभी नहीं खाए हैं, उनको भी खिलाओ, उनको भी खिला दिया तो भी नहीं बजा। तब कृष्ण से पूछा क्यों नहीं बजा, तो एक सुपर थे, जंगल में रहते थे हमेशा, आने समझ लो कि मालिक के आदमी यानी मस्त रहते थे, जो भक्त होते ना यानी वो हमेशा लीन रहते हैं, यानी उनकी याद में ही रहते हैं। जैसे देखो चकोर होता है, चंद्रमा को चंद्रमा से प्रेम करता है तो बराबर उसको देखता रहता है, इसे जब चंद्रमा निकलता है इसे तब से देखना शुरू करता है, और जैसे जैसे उठता जाता है ऊपर और उसे ढलता जाता है ऐसे ऐसे देखता जाता है ना, चोच झुकी गर्दन लगी और चितवत वाही वो सुमरन की सुनियो करे जैसे चंद्र चकोर, यानी मालिक को इस तरह याद करना चाहिए जैसे चकोर याद करता है। थोड़ी भी शक्ति आने समय लोग जब अर्जित किसी को हो जाती है तो उसको आ जाता है अहंकार, और अहंकार आता है तो समझ लो नाश होता है, करा कराया सब गया। जब आया अहंकार तो एक महात्मा का आने समझ लो कि शिष्य था, साधना करता था, तो जिसको ये नहीं मालूम है कि इसके आगे और कुछ भी है तो वो वहीं पर ठहर जाता है, उसी पर उसी को सब कुछ मान लेता है। जैसे आने समझ लो कि वेद में लिखा है कि नियत नियत, यानी इसके आगे और कुछ है, लेकिन लोगों ने कहा वेद ही सब कुछ है। यह देखो गुरु ग्रंथ का पाठ जो करते हैं कहते हैं किताब ही सब कुछ है, और उन्होंने नानक साहब ने कहा था कि यही तुम्हारा गुरु है, तो किताब नहीं गुरु है, किताब को पढ़ो जो उसमें लिखा है, और संत के पास जाओ उसको समझो कि इसमें क्या लिखा है, और वो उसको समझोगे आचरण करोगे तो समझ लो कि तरक्की हो जाएगी, लोक और परलोक बन जाएगा। लेकिन ना जानकारी में लोग इसी में फंस जाते हैं, भ्रम में रह जाते हैं, तो वो आने समझ लो कि अपने को कहने लगा कि मैं ही अब आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो बोले कि तुमसे भी बड़े बड़े भक्त पड़े हुए हैं, उनको तो यानी फुर्सत नहीं है किसी से बात करने की,
तो बोले कि हमको तो ऐसा मालूम कोई पड़ नहीं रहा है, बोले अच्छा तो तू चला जा जंगल की तरफ। तो गया वहाँ तो एक पक्षी को देखा, तो देखा तो कहा कि पक्षी तुझको कोई अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुझको दे सकता हूँ। तो कहा तो क्या हमको दोगे आप? तो कहा कि बोलो कुछ चारा लाना पानी जो कुछ कहो हम ला दे। तो उसने कहा कि मंगा दे। तो कहा कि देखो वो गेहूं का खेत है ये सामने, और उसके उधर एक तालाब है, उस तालाब को यहीं पेड़ के नीचे ला दो। तो कहा ये कैसे होगा और इसको उसको क्यों तुम मंगा रहे हो? तो बोला कि देखो मेरे पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, तो उससे बात करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। वो तो अरे तुम्हारे गुरु ने मेरे पास भेजा, इसलिए मैंने समय निकाला तुमसे बात करने का, नहीं तो बाकी तो मैं हमेशा मालिक की याद में ही लीन रहता हूँ, मुझे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं रहती है। और जब मैं यहाँ से उड़ के जाता हूँ वहाँ पानी पीने के लिए तो उतना टाइम लगता है मुझे, और अगर तू यहाँ पर ला देगा वो आने समझ लो कि तालाब यहाँ ला देगा तो वो उड़ के जाने आने का भी समय बच जाएगा, उसको भी मैं मालिक की याद में बिताऊँगा। अब आगे समझो उनको कोई फिक्र चिंता नहीं रहती है, समझे आप तो अपना भजन करते थे और पानी समय लोग कि रुका रुका जो भी मिल जाता घास फूस भी खा करके पेट भर लेते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनको तो शरीर को चलाना रहता है, कोई स्वाद लेना नहीं रहता है। अब हाथ तो स्वाद लेने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब सोचो कि बढ़िया से बढ़िया खाओ तो खाने के बाद कुछ पता चलता है क्या खाए थे, और सोने के बाद पता चलता है कहाँ सोए थे, कुछ नहीं। बढ़िया से बढ़िया सुगंधित चीज खा लो, लेकिन सुबह जब जाओगे लेट्रिन तो मल जो निकलेगा बदबूदार ही निकलेगा। चाहे सूखी रोटी खाओ और चाहे सुगंधित हलवा खाओ, पेड़ा बर्फी सुगंधित खाओ, सब मल बन के बदबूदार निकलता है। और सोने के बाद किसी पता चलता है, करो ताजा होकर के जो मोटे गड्ढे पर सोता है वो भी उठता है, और जो जमीन पर सोता है वो भी उठता है। तो लोग इसी में अपने समय को बेकार करते रहे। सांसों की पूंजी जो खर्च करने के लिए 96 करोड़ मिली है, जल्दी आने समय लोग कि यह जब खर्च हो जाएगी शरीर छोड़ जाएगा, और जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो फिर काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए एक एक मिनट एक एक सेकंड की कीमत लगानी चाहिए। तो लगे रहते थे, नहीं गए खाने के लिए। तो सुपज ने कहा, सुपज नाम था, तो कृष्ण ने कहा सुपज नहीं आए, सुपज को बुलाओ, वो खाएंगे तब घंटा बजेगा। तो भेजे गए नौकर, फिर उसके बाद नहीं आए तो मंत्री लोग गए, फिर भी नहीं आए तो पांडव लोग कहे अब हम जाएंगे, वो एक एक जाने लगे। तो जो भी जाए उसी से कहें जो 100 या 100 यज्ञ का फल देगा हम उसके कहने पर जाएंगे। 100 या 100 फल किसके पास था यज्ञ का? तो भीम ने कहा मैं अगर नहीं आएंगे तो उठा के ले आऊँगा। तो जब वहाँ पहुँचे तो देखा तो कहा ना संत ने देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल, अंतर का हाल परख गए कि अहंकार में आया है। तो बोले अरे भीम लेने आए हो? बोले हाँ चलिए। तो कहा सर तो हमारा माला वो देखो खूंटी पर टंगा हुआ है, ले आओ हम रख लें। गए माला उतारने के लिए, माला नहीं उतार पाए खूंटी पर से, और शर्मा करके चले आए। अब केवल द्रौपदी बची थी, तो द्रौपदी ने आज्ञा लिया किससे? पतियों से। पति की सेवा में ही लीन रहती थी पहले, और कहें तो बगर उनके आदेश के घर से बाहर नहीं निकलती थी, कभी तो देवी कही जाती थी, यानी जब देवी की तरह से रहती थी तब देवी कही जाती थी। और बात तो आने समय लोग की कोई अंतर आदमी औरत में और लड़कों में और लड़कियों में कोई अंतर नहीं रह गया। आप समझ लो कि एकदम से जो है होलिया ही बदल गया, पहले ऐसा नहीं था। तो कहा कहा कि जो है द्रौपदी ने पूछा पांडव से कि कहिए तो हम जाएं। बोले ठीक है जाओ, अब कोई और विकल्प भी नहीं था। बनाया 36 प्रकार का भोजन रख दिया,
और उसके बाद जब पहुंची तो हाथ जोड़ा, कहा चलिए आप भोजन के लिए। तो द्रौपदी से भी उन्होंने यही कहा कि जो सर्व सुमेर यज्ञ का फल देगा उसके कहने पर हम जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा गया है कि संत दर्श को जाइए, अटल ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिनिया के समान, तो मैं तो आपका दर्शन करने नंगे पर आई, पैर आई और कितने कदम चली, अब आप जोड़ लो सब और उसमें से आपको जितनी इच्छा हो आप ले लो। जो जो पग आगे बढ़े एक एक कदम पर कोटिन यज्ञ के फल का फल मिलता है, तो कितने कोटिन यज्ञ हमने किए हैं उसमें से आप फल ले लो। तो मजबूर हो गए, बोले अच्छा चलो चलते हैं। तो ले गए द्रौपदी और रख लिया भोजन। अब उन्होंने क्या किया कि सबको एक में मिला दिया और मिला करके खाने लग गए। तो द्रौपदी को के भाव खराब हो गए, बोले जंगल में रहने वाले छोटी जाति के ये खाना क्या जाने, राशि भोजन मैंने बनाया, एक एक चीज इनको उठा करके और स्वाद लेते हुए खाना चाहिए, और ये तो सब एक में मिला करके नाश कर दिए। तो खा तो लिया उन्होंने, लेकिन घंटा यानी समझ लो कि नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तब फिर लोगों ने कृष्ण से पूछा क्यों नहीं बजा आप, तो कहा इसकी जिम्मेदार द्रौपदी है। तो द्रौपदी ने फिर समझ लिया उस बात को और उनसे मांगा माफी, और जब उन्होंने माफ कर दिया तब घंटा बजा। तो भाव खराब हो गया था, भाव ही प्रमुख चीज होती है। देखो जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनका भाव अलग होता है, पति पत्नी का भाव अलग होता है, भाव प्रमुख है। तो भाव के साथ अगर यानी समझ लो जय गुरुदेव नाम रोज बोलने लगेगा तो फायदा तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो कुछ दिन लगेगा, फिर जब उसके कर्म कटेंगे तब उसको सद्बुद्धि आएगी। तो बराबर लोगों को प्रेमियों बताओ कि रात को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम बोलते बोलते फिर सोया करो। बोलना कैसे है भी बता दें, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, गुनगुना के बोलें, जोर से बोलें, मन में बोलें, लेकिन बोलें, बोलते बोलते फिर सो। तो यह है वर्णात्मक नाम, लिखन पढ़ने और कहानी में आया उसको वर्णात्मक गाया, यह है मायक। अब आपको बताऊंगा निर्मायक अन्य नाम, अन्य समझ लो कि ध्वन्यात्मक नाम, जिसको लेने के बाद पाने के बाद मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर कृपा कर अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। तो यह नाम रूपी रत्न है, इसको आपको दिया जाएगा। अब नाम रूपी रत्न पाने के लिए आपको तो कुछ करना चाहिए, अरे को देना चाहिए, दिया जाता है ना दक्षिणा। बहुत से लोग तो लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर सब पहले ही रखवा लेते हैं और तब कान फूकते हैं रामायण नमः शिवाय नमः कान में बोलते हैं, तो कोई कंठी बांध देता है, मंत्र कहते हैं मंत्र दिया कंठी बांध दिया, कोई छाप लगा देता है, तो ये तो सब काम यहाँ है नहीं। कबीर साहब ने कहा कंठी बांधे हर मिले तो बंदा बांधे कुंदा, और पत्थर पूजे हर मिले तो बंदा पूजे पहाड़। तो यहाँ तो उसमें नहीं फंसाया जा रहा, कुछ आपको अन्य समझ लो छोड़ना ही नहीं। गृहस्थ आश्रम में है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे समाज में रहो, जहाँ आप लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं करो, जहाँ पर आप खाना पीना करते हो वहीं पर करो। हम आपके समाज की मर्यादा और समाज के नियम को हम खत्म नहीं करना चाहते, यहाँ पर तो मानव और मानवता की बात है, क्योंकि उसने तो मानव बनाया, न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न ब्राह्मण बनाया, न क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया, उसने तो इंसान बनाया। हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, आप समझो चमड़ा सबका एक जैसा, वो तो आँख कान मुँह और गोरा यानी आँख कान मुँह और गोरा चिट्टा
और ये काला ये तो चेहरा समय और परिस्थिति से हो जाता है। कैसे बता रहे हैं आपको, कहीं ठंडे प्रदेश में जो रहते हैं वो गोरे होते हैं, और जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं उनका रंग काला हो जाता है, कोई लूला लंगड़ा अंधा पैदा हो जाता है और कोई बुद्धिहीन और बुद्धिमान पैदा होता है। इसको भी आपको बता दूँ, जिन माताओं के पेट में बच्चे रहते हैं और उनका खान पान चरित्र सही रहता है, सत्यवादी होती हैं, हिंसा हत्या से दूर रहती हैं, आप समझ लो कि सेवाभावी रहती हैं, धार्मिक भावना रहती है, सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, उनके बच्चे नेक अच्छे और बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं। और जो इनका उल्टा करते हैं उन्हीं के लूले लंगड़े अंधे और बुद्धिहीन पैदा होते हैं। तो ये तो समय परिस्थिति के अनुसार होता है, लेकिन आँख कान नाक ये सब यानी जो सिस्टम है वो सब का एक ही जैसा उसने अन्य समय जो कि बनाया। तो हमारे यहाँ तो ये सब कुछ नहीं, गुरु महाराज के पास भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जीवात्माओं को देखते थे, संत जीवात्माओं को देखते हैं, जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशि चेतन अमल सार शुक्राशि सबके अंदर एक जैसी। तो हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आपके जीवात्मा से प्रेम करते हैं, जीवात्मा यानी जिस शरीर के अंदर है उस शरीर की कदर करते हैं, लेकिन यानी समझ लो कि ये जो आपका ये समाज की जो व्यवस्था है हम उसको भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो आप समझो कि आप जहाँ वहाँ रहते हो ऐसे रहो, शाकाहारी भोजन खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे मकान में रहो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन आज तो आपको को देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर तो कुछ दिया जाता है दक्षिणा, अब क्या देना है ये भी आपको समझना है कि आपको देना क्या है। देखो हर कोई एक ही तरह की चीज नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ फर्क हो जाता है। दाल ही चावल लाने अभी कह दिया जाए सब लोग लेकर के आओ, तो दाल ही चावल का आने सब लोग के अलग अलग ले आएंगे, बनावट क्वालिटी अलग हो जाएगी। आटा कह दें तो किसी मोटा किसी महीन, कोई यानी हाथ की चक्की का तो कोई यानी मशीन की चक्की का तो कोई यानी फैक्ट्री के यानी दाल यानी समझ लो आटा मिल का आटा लाएगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज मैं कहने जा रहा हूँ कि जो सबके पास है आपके पास और उसको सब दे सकते हो, ये कही चीज़ है। तो वो क्या है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म अब मत करना, जान में और अनजान में जो आपने बुरा कर्म किया है उसके लिए उस मालिक से मांग लो माफी, तौबा कर लो, कान पकड़ लो, कह दो आप बुरा कर्म करूंगा नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर दवा खिलाता जाता है, तकलीफ नहीं जाती है। आप देखो जो जानवरों का अवांश खाता है खून गर्म हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है और बुद्धि काम नहीं करती है। तो बुद्धि ही जब काम नहीं करती है, बुद्धि खराब हो जाती है, तब तो विनाश होता ही होता है। रावण का देखो बुद्धि ही तो नहीं काम किया, सोने की लंका, 100,000 लड़के सब खत्म हो गए, स्वभाव लगनाटी सब खत्म हो गए, बेटोता उसकी चार आने समझो कि वे छह सात अठारह पुराण का जानकार, लेकिन मांस खाया, शराब पिया, बुद्धि खराब हुई, दूसरे औरत को गलत नजर देखा, सर्वनाश हो गया। तो मांस मनुष्य का भोजन नहीं, मांस मत खाना। अब आपको बता दूं, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, परोसता है और खाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। मांस बनाने वाले, मांस लाने वाले, मांस खाने खिलाने वाले को सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप से बचना, पाप अब घर में नहीं होना चाहिए, मांस आना नहीं चाहिए। मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डालो तो
तो मछली खा जाती है, खकार के ठोक दो, आप टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बकरा बह करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खाएगी। उसका काम क्या है? सफाई करना। मर जाती है तो पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं, तो गीध और कौवा का खाना मत खाना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाते क्या है? गंदी चीज़ों को। कीड़े के ऊपर आप रबड़ी मलाई लगा करके ऐसे डाल दो मुर्गी के सामने, तो ऐसे पकड़ेगी कीड़े को और ऐसे हिलाएगी। जब रबड़ी मलाई जो आप मिठाई लगा के रखे हो उसे जब गिर जाएगा तब कीड़े को खाएगी। अब उसका खून बना, खराब खून इकट्ठा हुआ, अंडा बना और खाया, तो सोचो बुद्धि सही रहेगी? कभी नहीं। बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये जो अंडा खाते और खिलाते हैं ये वैज्ञानिक और डॉक्टर सब अज्ञानी कहते तो हैं। हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाए तो, नट एक ढीला हो जाए तब क्या हाल होगा? अरे वो भी तो विज्ञान था कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। वो भी तो कोई विज्ञान था कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना लिया। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही सिखा दो कि बेटा बाहर की कोई चीज खाओ ही नहीं, क्योंकि मिलावटी चीजें बाजार में बहुत आ गई। दीन ईमान धर्म लोगों ने पैसे के लिए बेच दिया। अब वो जब चीजों को बच्चे खाते हैं तो उनकी किडनी ही खत्म हो जाती, उनका लीवर ही खत्म हो जाता। और इन छोटे छोटे बच्चों को हार्निया हाइड्रोसिस बकंदर बीमारी हो जाती है, तो खुद भी बचो और बच्चों को भी बचाओ। और देखो शराब में है 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है, पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना और तदपि न संत करहिते ही पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बना गया तो नहीं पीना चाहिए, शराब मत पीना। और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदान देता हूं, सबको दूंगा। गुरु महाराज के यहां भी कोई भेदभाव नहीं था और हमारे यहां भी कोई भेदभाव नहीं। नामदान देना कोई आसान काम नहीं, बड़ा कठिन काम है, इसमें कर्मों का लेना देना होता है। लेकिन गुरु का आदेश हो गया तो देना पड़ रहा है। गुरु महाराज तो बहुत पहले कह करके गए थे कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो बहुत दिन तक तो गुरु महाराज के जाने के बाद मैं लोगों को समझाता बताता ही रहा, संभाल वाली ही बात करता रहा और भजन में लगा करके रखा लोगों को कि भजन करो, लोगों को लाभ मिलने लगा, विश्वास होने लग गया। लेकिन जब कुछ समय साल डेढ़ साल बीत गया तो गुरु महाराज ने आदेश किया, कहा कि अब इनको नामदान देना शुरू कर दो। नामदान दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट जाएगा तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तभी 100 टन दुर्लभ पाया, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। फिर यह नर समान में कौन हो रहे, जीव चरा चर जा करते ही ये
देव दुर्लभ शरीर देवता जिसके लिए 24 घंटे मांगते रहते हैं वो शरीर मिलता है तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा है, यानी ये बड़े भाग्य से मिला है। तो आप समझो कि यानी मनुष्य शरीर यानी मिलना ही मुश्किल होता है। तो गुरु महाराज ने कहा ये भजन करने लगेंगे, इनका भजन पूरा भी नहीं हुआ इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, तो नामदान देना शुरू कर दिया। जहाँ जाता हूँ वही नामदान देता हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में तो जाते हैं, भारी संख्या में लोग आते हैं नामदान लेने, वहाँ भी देता हूँ। विदेशों में गया तो वहाँ कमरे में ही अन्य लोग बैठे, ज़्यादा लोग आए वहाँ तो कोई बताने वाला नहीं गया कि शाकाहारी रहो सदाचारी रहो। वहाँ तो जैसे मशीन चलती है ऐसे दिन रात आदमी चलते रहते हैं, और खाओ पियो मौज मस्ती करो दुनिया संसार से चले जाओ, यही निशाना बना रखे हैं। तो विदेशों में कमरों में नामदान दे दिया, और किसी किसी देश में तो कई बार गया और कई जगह पर कार्यक्रम किया और सब जगह नामदान दिया। आपके नेपाल में कई बार गया वहाँ नामदान दिया, आपके जो है यानी हांगकांग गया वहाँ नामदान दिया, सिंगापुर गया वहाँ नामदान दिया, मलेशिया में दिया, दुबई में दिया, कतर, ओमान, श्रीलंका, हॉलैंड, अमेरिका, यानी लंदन, जहाँ जहाँ गया सब जगह नामदान दिया। इसीलिए दे देता हूँ कि कहीं इनका समय पूरा हो जाए और शरीर छूट जाए तो ये अधूरे चले जाएंगे। इस समय किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। सुबह आदमी घर से निकले कोई गारंटी है नहीं कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। इसलिए दे देता हूँ कि ये करते करते अगर चले भी गए तो कम से कम मनुष्य शरीर के अधिकारी तो हो जाएंगे, नरकों में काटा सड़ाया गलाया तपाया तो नहीं जाना पड़ेगा। आप समझो कि इसीलिए नामदान दे देता हूँ। गुरु के आदेश का पालन तो करते ही करता हूँ, लेकिन दया आती है तो नामदान सब जगह दे देता हूँ, आपको भी सबको दूंगा। अब आप 3 चीज समझो, सुमिरन ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। और ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को और कान से सुनने को भजन कहते हैं। अब आप 3 चीज और समझो, 3 आंख 3 कान और 3 नाक। तो नए लोग कहोगे भाई ये कैसे, देखो 2 आंखें ये बाहर और ये आंख अंदर जीवात्मा में, जीवात्मा यहीं पर बैठी है बीचों बीच में, इस शरीर के बीचों बीच में बैठी है। देखो चाहे 3 साल का बच्चा हो, 30 साल का आदमी हो, 90 साल का बुढ़ा हो, सबका शरीर उसके शरीर उसके हाथ से 3.5 हाथ का होता है, तो 3.5 हाथ के हिसाब से तो बीच कहीं यहाँ पड़ना चाहिए यहाँ, लेकिन पैर काट दो हाथ काट तो आदमी जिंदा रहेगा, लेकिन गला काट दो जिंदा नहीं रहेगा। तो शरीर को चलाने का सारा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक है। जीवात्मा यहाँ जो बैठी है उसका प्रकाश तो इधर पड़ता है, इधर चक्र हैं, ये चक्र इसको चलाते हैं, ये कंठ चक्र, 16 दल के कमल पर आद्या महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ बैठी हुई, उनका स्थान उनका रेंज पड़ता है यहाँ। हृदय चक्र पर शिव और पार्वती और नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी और इंद्रिय पर ब्रह्मा सावित्री गायत्री और सरस्वती और गुदा मल द्वार पर निसमय लोकी गणेश और रिधि सिद्धि। यानी ये इधर इसकी ताकत से तो ये इधर चलता है, लेकिन सिस्टम चलाने का सब यहाँ से और यहाँ तक है, यहाँ तक उसका बीचों बीच ये है। तो 5 स्थान ये नीचे और 5 स्थान ऊपर है इसके, सहस्र दल कमल, त्रिकुटी, दसवां द्वार, भौर गुफा और सतलोक, बीचों बीच में ये बैठी है। तो 1 आंख इसमें है, इस आंख से ऊपरी लोगों का नजारा दिखाई पड़ता है। 2 कान ये इधर बाहर की तरफ बाहर की आवाज सुनते हैं इससे, और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेद वाणी देववाणी जिसको कहते हो, आकाशवाणी जिसको कहते हो, जिसको गैवी आवाज साउंड कहते हो, खुदाई आवाज कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, 1 सूरा के दाहिनी तरफ और 1 के बाईं तरफ, ये तो है नाक। और जिसको नाक कहते हो
ये तो समझ लो दो नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, ऐसे बना दिया उसने। किसने? कि जिसके लिए कहा गया कि अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। देखो कई हजार आदमी आप यहाँ बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है, चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता, लाखों करोड़ों में जल्दी चेहरा नहीं मिलता है, ये उसकी कारीगरी है। तो दो नाक उसने इधर बनाया और एक नाक है अंदर जीवात्मा ने, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिलती है, जब मिलने लगती है तो साधक मस्त हो जाता है। कहा ना भांग बकोरी सोरापान उतर जाए प्रभा, तो नाम कुमारी नानका चही रहे दिन रात, फिर वो नशा वो मस्ती कभी खत्म नहीं होती, दिन रात चढ़ी रहती है। तो सुमिरन ध्यान भजन तीन चीज ये, तीन आँख तीन कान और तीन नाक ये, और पांच नाम पांच रूप पांच स्थान पांच की आवाज। अब आप समझो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है उसकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम है, आपका चेहरा है, आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप मुंह से बोलते हो आपकी आवाज है, ऐसे ही इस वक्त के पांच धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज है। इनका सुमिरन करना और इनको याद करना मैं भी आपको बताऊंगा। इनके लोकों में से होकर के ये जीवात्मा जाती है तो ये बाधा न डालें खुश करना पड़ता है, इनका सुमिरन करना पड़ता है। सुमिरन करना बहुत जरूरी है, जितने महात्मा पीछे संत हुए सब लोगों ने सुमिरन किया। कबीर साहब ने कहा ना कि सुमिरन की सुधियों करे क्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहें कभी विचार। तो अब यह नाम आपको रटाऊंगा, याद करूंगा, जितना आप याद कर सको याद कर लो, ना याद हो पावे तो अभी कार्यक्रम के बाद लिखा हुआ कागज आपको यहीं मिल जाएगा, ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद करके, और फिर उसके बाद कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या टेप करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज हो जाए आपका नुकसान हो जाए, इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज आप और समझो कि आपको अभी ध्यान लगाना बताऊंगा, और उस तरीके से जब आप ध्यान लगाओगे ऊपरी लोकों में जब जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, और ऊपर का दृश्य ऊपर का नजारा जब देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा नाराज होकर के, कि देखो ये इसको संभाल नहीं पाए, आत्मधन को ये संभाल नहीं पाए, तो यानी समझ लो कि उसको आपको संभालना है। बताना मत किसी को, किसी को भी मत बताना, जो कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े आपको नामदान देता हूँ। अब आप बैठ जाओ, इसे मारो पालथी, पालथी मार करके बैठो, जो जो नाम मैं बोलूँगा आप लोग बोलना, आदर के साथ सम्मान के साथ ले लो, ये फिर मिलेगा नहीं नाम। पहले के समय में तो औरतों को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था ध्यान भजन करने का, सुमिरन करने का, तब ये कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब इस समय पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा है तो इनको क्या पार करेगा, इसलिए सबको अधिकार दे दिया गया। स्त्री हो पुरुष हो, सात आठ साल का बच्चा भी अब समझदार हो जाता है, वो भी कर सकता है। बैठो मारो पालथी, जो जो नाम मैं बोलूँगा आप लोग सब लोग बोलना। जब मैं बोल अहर प्रताप कर दो लगना ही, जिस चीज की आदमी इच्छा करता था वो चीज हाजिर हो जाया करती थी। तो दुनिया की ये चीजें तो मिलती ही मिलती हैं, और मालिक मिल जाता है तो उसके साथ जीवात्मा वहां भी चली जाती। सदगुरु को क्या बताया गया कि सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दे, और लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। अरे संतों में ही कहा गया कि मालिक की ताकत शक्ति होती है, तो जब वो सदगुरु नामदान देते हैं तो जीवों की डोर को काल के हाथ से अपने हाथ में ले लेते हैं, और गुरुपद और त्रिकुटी
गुरु पद और रस्माद्वार में बांध देते हैं, कहीं भी बांध देते हैं, शरीर छोड़ करके भी चले जाते हैं, तो वहां से संभाल के लिए बराबर आते रहते हैं, वहीं संभालते रहते हैं। जिसको चार्ज दे करके जाते हैं उसके पास भेजते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, कोई ना कोई बात लग जाती है, फिर करने लग जाता है, और जब घाट पर बैठने लग जाता है, डर नहीं छोड़ता है, तो पार हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि जैसे कोई औरत के साथ कोई आदमी शादी कर ले और औरत उसके साथ कहीं भी जाए, तो जिधर पुरुष जाएगा औरत जाएगी तो रोक टोक नहीं होगी, उसके साथ चली जाती है, भाई इनकी औरत है जाने तो। ऐसे ही एक तरह से सगाई जब हो जाती है तो समझ लो कि फिर उनके पीछे पीछे चली जाए, और संतों का आना जाना 24 घंटे लगा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, दीन भी बनता है और दुनिया भी बन जाती है। तो देखो 5-7 मिनट के लिए आपको ध्यान पर बैठाऊंगा और फिर उसके बाद भजन समझा के और कर दूंगा छुट्टी। तो नए लोग तो सीख जाएंगे और पुराने आप जो आए हो आपको अभ्यास हो जाएगा। तो बैठ जाओ ध्यान पर, पैसे मारो और कपड़ा जो लाए हो जिनके पास कपड़ा है उसे मुँह ढक लो, कहेगा चलो बंद करो आँख और निकलो उधर, चलो यहाँ क्या रखा है, बड़ी गंदगी है, बड़ी उमस है, बड़ी परेशानी, चलो उधर, खूब लगवाएगा। एक बार थोड़ा सा मन को रोकने का साधने का काम आपको करना रहेगा। साधना मन का ही साधना होता है, मन को साधना साधना कहलाता है। तो बराबर इसी तरह से आने समय लोग आपको ध्यान लगाना है। तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। बाहर का दरवाजा आप बंद करोगे आँख कान मुँह को, तब अंदर का द्वार खुलेगा। बराबर इसी तरह से करना है। रात को सोने के लिए जाओ बस सुनते सुनते सो जाओ, अब सोने से पहले आवाज अगर आ गई तो रात भर आती रहेगी। एक बार तार जब जुड़ जाता है तो आने समझ लो टूटता नहीं है, आदत बन जाएगी तो बराबर सुनाई पड़ेगा। आदत डालना है भजन करने का। और देखो शाकाहारी का करना प्रचार, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाना, नशा मुक्त करना जरूरी है, और नहीं तो बुद्धि इनकी खराब होगी। प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे तो प्रकृति सजा दे देगी। आप समझो ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश ये 5 देवता यही मनुष्य के लिए सब चीजें देते हैं, शरीर इन्हीं के चलाने से चलता है। अब ये अगर नाराज हो जाएंगे सजा देने लगेंगे तो रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लोग तो अभी ही अभी भी बहुत खराब काम कर रहे हैं, प्रकृति के नियम के बहुत खिलाफ काम कर रहे हैं, तो प्रकृति तो नाराज है। एक एक साथ दो दो देवता सजा देने के लिए तैयार है। कैसे सजा देते हैं भी बता दें। जैसे आग जल गई, अग्नि प्रकट हो गई और पौन देवता ने उसको तूल दे दिया, अब वो आग कहाँ तक बढ़ के जाएगी, कितना नुकसान करेगी कुछ पता है। बरसात बहुत तेज होने लग गई और हवा भी तेज चल गई तो नाश करेगी। समुद्र देवता तो कह रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर भारत यानी धरती माता के ऊपर पाप बहुत हो रहा है, खून बहुत बह रहा है, तो हम सफाई करेंगे। और तूफान अगर उन्होंने भेज दिया और हवा ने तेजी दे दी तो तूफान कहाँ तक जाएगा, कितना नुकसान करेगा कुछ पता है। और जब पाप बढ़ेगा धरती के ऊपर, धरती हिलेगी, भूकंप आएंगे तो कितने बचेंगे कितने मरेंगे कोई ठिकाना है, कुछ नहीं। तो ये सब घटनाएं तो आगे अभी घटेंगी। अभी बीमारियों को आपने कहाँ देखा, ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी कि दवा ही खोजने पर नहीं मिलेगी, और मांसाहारियों को ज्यादा होंगी। तो जब छूट की बीमारी फैलती है तो घर के लोग ही सेवा नहीं करते डर के मारे कि हमको भी ना हो जाए, मुर्दा जलवाने करवाने के लिए लोग नहीं जाते हैं कि हमको भी ना हो जाए बीमारी। तो कहते हैं ना जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी अपनी बुझाता है, दूसरे की नहीं। तो देखो विनाश का संकेत मिल रहा है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है, गुरु महाराज हमारे बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो आप समय तो नहीं है, तो मैं सिद्ध करके आपको बता देता कैसे गया था कैसे आएगा, लेकिन एक चीज का याद जरूर दिलाऊंगा,
कि जब युग बदलता है तो मरते बहुत हैं। त्रेता गया तो बहुत मरे, द्वापर गया तो बहुत मरे, अब कलयुग जाएगा तो बचेंगे? ये तो कलयुग प्रेमियों को तो लेते ही जाएगा, उसमें बहुत मरेंगे। और जो उसमें मरेंगे प्रेत योनि में जाएंगे, अकाल मृत्यु में जो मरते हैं प्रेत योनि में जाते हैं। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? उम्र पूरी किए बगैर जो मर जाता है। अब आप सोचो कि एक प्रेत अगर एक घर में घुस जाए तो घर भर को परेशान किया रहता है। बहुत लगे हैं, इन्हीं में लगे हैं, काफी लोगों में लगे हैं, मैं बता दूं आपको। अरे हमको ले चलो, खड़ा कर दो वहां हवाई अड्डे पर, बस स्टैंड पर, जहां भी 10-20-50 आदमी हूं मैं बता दूंगा, ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, ऐसा करता है, ऐसा पूछ ले, सही ना निकले रुपए ना। तो अब आप ये समझो कि एक प्रेत अगर ये घर में घुस जाए तो पूरे घर भर को परेशान कर देता है। और जब ज्यादा हो जाएंगे, एक एक पर 10-10 लगेंगे, तो बताओ कैसे खा पाओगे, कैसे रह पाओगे? इसलिए बचाने की जरूरत है। तो ये चीज यह है कि सब मर ही जाए तो सतयुग को देखेगा कौन? और सतयुग लाने का मतलब क्या रहेगा? सतयुग का आनंद क्या मिलेगा? इसलिए इनको बचाना है, समझाना है। परिवर्तन तो होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो लोगों के दिल और दिमाग में भी नहीं। मैं आपको बतलाता हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई भी मांस मछली अंडे शराब की दुकान ही नहीं होगी। बहुत से लोगों ने तो मेरे कहने से ही बंद कर दिया, मांसाहारी होटल बंद किया और शाकाहारी चालू किया, कह रहे अच्छा चल रहा है, मांस शराब अंडे की दुकान बंद कर दिया, कह रहे हैं कि अब अच्छा चल रहा दूसरा धंधा जो खोला। तो जी क्या होता है मैं बता दूं, एक कमाए और 10 खाए तो परिवर्तन होगा, लोगों की नीयत सही हो जाएगी, बरकत होने लगेगी, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी हो, समय पर बरसात आएगी, परिवर्तन हो जाए, न्याय सुरक्षा मिलने लगेगी, रोटी रोजी की समस्या खत्म हो जाएगी। देखो हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं और हमारे गुरु महाराज के पास भी हर तरह के लोग जाते थे, हमारे पास भी आते हैं। ओ केंद्र के मंत्री और आपके मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री और आपके जो है हाईकोर्ट के जज और बड़े बड़े अधिकारी सब आते हैं, कोई तो बता के आते हैं, होश के साथ आते हैं, कोई ऐसे आते हैं मिलने के लिए आते हैं। अलग अलग समस्याएं होती हैं लोगों की, बहुत से लोग तो चुपके से पूछते हैं। एक बहुत बड़े अधिकारी, एक बहुत बड़े आए प्रतिष्ठित हमारे पास, तो बोले हम आपसे अकेलंबन बात करना चाहते हैं। मैंने कहा आइए, बैठाया कमरे में, बोले जीत के सब जगह आता हूँ और हार घर में जाता हूँ, न चैन की रोटी खा पाता हूँ न चैन की नींद ले पाता हूँ, अब आप तरीका बताओ किसी तरह से शांति का। तो अपनी समस्या लेकर भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं, प्रेम में भी आते हैं और धार्मिक भावना के हिसाब से भी आते हैं। तो जो जैसा आता है उसको मैं वैसे ही सलाह देता हूँ। मैं तो इन लोगों से कहता हूँ, सब लोग जो हमारे पास आते हैं, कि आप आने समय लोग के संविधान में परिवर्तन ले आइए, कर लीजिए परिवर्तन, परिवर्तन की जरूरत है। संविधान जब भारत का बना था तो बनाने वाले ने तो बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा बनाया, भारत जैसा संविधान विश्व में कहीं भी नहीं है किसी भी देश में। लेकिन उस समय की परिस्थितियां और थी, और परिस्थितियां बदल गई, उस नियम और कानून के अंतर्गत अब लोगों को न तो सुख सुविधा मिल पा रही, न न्याय सुरक्षा मिल पा रही, न रोटी रोजी की समस्या सुलझ रही, न लोग आध्यात्मवादी ईश्वरवादी खुदा परस्त बन पा रहे हैं, न तो प्रकृति से ले पा रहे हैं और न ही लोग कि आप लोग जो देते हो वो लोगों को मिल रहा है। तो इसमें आप परिवर्तन लाइए, विशेषज्ञों को बैठाइए, प्रमुख लोगों को बैठाइए, वो परिवर्तन लें। देखो जितनी भारत देश में ये पार्टियां राजनीतिक बस्ती चली जा रही उतनी ही व्यवस्था अव्यवस्थित होती जा रही। भाई भतीजावाद, जातवाद, कौमवाद, एरियावाद, भाषावाद,
माओवाद, आतंकवाद, तरह तरह के बात पैदा होते चले जा रहे हैं। आदमी आदमी का दुश्मन बन जा रहा, भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। जितनी भी पार्टी यहाँ सब खत्म कर दी जाए और हर पार्टी में से अच्छे लोग निकाल लिए जाए। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त लोगों को निकाल लिया जाए, देशभक्त लोगों को निकाल लिया जाए, उनको समझाया जाए, बताया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए और उस ट्रेनिंग में जो पास हो जाए उन्हीं में से कुछ को पक्ष में और कुछ को विपक्ष में बैठा करके अगर देश चलाया जाए और बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो आने समय लो ये तो होगा। देखो आदमी करता परिवर्तन, जब तक कर पाता हो, करता नहीं तो कुदरत करती है, समय से परिवर्तन होता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ एक जैसा कभी नहीं रहा, तो परिवर्तन तो होगा। ये सब रोटी रोजी की समस्या, न्याय सुरक्षा की समस्या और जो अन्य समस्याएं हैं, ये सब दूर होंगी। लेकिन आप समझो कि उसके लायक आप लोगों को बनाओ, आराम लेने लायक, पार होने लायक, खाने पीने यानी शुद्ध विचार भावना, यानी लोगों की खापी करके यानी जो शुद्ध खाना शुद्ध यानी एक तरह से विचार भावना आप बनाओ, आप अपनी तरफ से तो सब हो जाएगा। कुदरत अगर करे थप्पड़, यानी समझ लो कि लग जाए कुदरत का मुंह पीछे हो जाए, तो क्या मतलब रहेगा। अरे भाई, अरे जब डाल को हिला दिया गया और नीचे गिरा फल और टूट गया, तो उसका क्या मतलब रहेगा। इसलिए पहले ही यानी आप देख लो कि तोड़ने लायक हो गया, खाने लायक हो गया तो खा लो। इसी तरह से यानी आप थोड़ा सा मेहनत करो, लोगों को बताओ और समझाओ। देशभक्ति ये देखो प्रमुख चीज है, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन धरना गिराओ से दूर रहो, लोगों को दूर करो और समझो, बच्चों को सिखाओ, माता पिता की सेवा करें। देखो घर से बाहर निकाल दे रहे हैं माता पिता, क्या इसीलिए आए समय लोग की पढ़ाई लिखाई और जो है आए समय लोग की तन पेट काट करके किसी तरह से लायक बनाए, इसीलिए कि बुढ़ापे में कमा करके आने ला करके खिलाने के बजाय और हमको घर से बाहर निकाल देंगे। तो बच्चों माता पिता की सेवा करो और आप बच्चों को भी भजन नंदी बनाओ, बच्चों को भी तौर तरीका रहना उठना बैठना सब सिखाओ। तो अब देखो, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, अब आप समझो कि करूंगा आपकी छुट्टी, लेकिन बगैर भजन की कोई छुट्टी नहीं। बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए भजन कर लो, सीख लो, नए लोग सीख जाएंगे और पुरानों को अभ्यास हो जाएगा। डालो कपड़ा। देखो हमारा आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर कार्यक्रम बराबर होते रहते हैं। जब से आश्रम बना, होली दिवाली का भी कार्यक्रम वहीं होता है, भंडारे का भी होता है, नए वर्ष का भी। तो अभी 30 और 31 दिसंबर को दोनों समय और 1 तारीख को सुबह यानी 1 जनवरी 2019 को सुबह सत्संग उज्जैन आश्रम पर होगा। आपके यहाँ से बहुत से लोग आते हैं, जो लोग आप अभी नहीं आए हो आपको निमंत्रण देता हूँ, आप उज्जैन आइएगा। तो प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की दया की नजर करो मेरी ओर, दया निशरिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निशरिन जैसे चंद्र चकोर जय हृदया की नजर करो
जानुन कौन भूल हुई तन से लियो हम से मुख मोर लियो हृदय के नजर करो मेरी ओर दया बालक जानी चूक विसराओ आया शरण अब मैं तो रहा हृदय के नजर करो मेरी हो हृदय सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कस भयउ कठोर मेरी बे हृदय के नजर करो शरणागत के लाज न राखो शरण मोसो पतित अब जाए कहीं और मो हृदय के नजर करो मेरी ओर हृदय के अब के बार उबार ले वजो अब के बार फिर न दरब पग यहिम गौर बिर न हृदय की नजर करो मेरी ओ हृदय हर के नजर करो मेरी ओर में हर के न जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी व्यवस्थापक के प्रचारकों के जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके जिन अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया हम सबके आभारी हैं। देखो नियम कानून का सब लोग पालन करना, अधिकारी कर्मचारी पूरे बुजुर्गों का सम्मान करना और देशभक्त बनना। बोलो जय गुरुदेव।